మాతశరణం సమస్త జగతం మాతరం వినాన కాగతి మాత్రా ప్రతిహన్నతే కలిమలం మాత్రే సిద్ధం నమః మాతు త్రైశతి కాల భీమ భుజగౌ మాతు సర్వం వశే మాతరి భక్తి అఖండిత భవతి మే మాతో సమీవాశ్రయ సింధురారుణ విగ్రహం శరణం మాణిక మౌళేశ్వర తారానాయక శిఖరం స్మితముఖి మాపీన వస్తుర్హం పూర్ణరత్నచకం రోక్తోత్పలం బిభ్రతి సౌమ్యాం రత్నఘటస్థరక్తచరణం ధాయే పరామృతం మరుతాపప్రణాశిన్నై ఆనందఘనమూర్తయే జ్ఞానభక్తి ప్రదాయిన్నై दिनभर का कायिक और मानसिक दिन भर का कायिक और मानसिक थकावट के बाद थोड़ा विनोदन हो जाए माँ का विनोदन में माँ का वाणी आएगा माँ का छोड़ के विनोदन तो कोई विनोदन ही नहीं है तो माँ हम लोगों को अमृत का संतान ये संज्ञा दिया है अमृत अमृत का संतान अमृत भुजी हो अमृत का संतान अमृत भुजी हो अमृत का संतान अगर हो और माँ को माँ माने तो अमृत कौन है माँ मैं ये जो धारणा खींच के लंबा नहीं कर रहा अरे समझने की कोशिश कर रहा युक्ति से रैशनल बन गया तो माँ अमृत है इसका कुछ उदाहरण है अमृत मीन्स जिसमें अशांति नहीं है दुख नहीं है मृत्यु नहीं है यही अमृत है तो अब विष क्या है गरल क्या है दुख दुख कोई नहीं चाहते हैं विष कोई नहीं चाहते तो हम लोग देखे हैं कि माँ गरल को भी अमृत बना देती है ये बहुत यहाँ है प्रत्यक्ष दर्शी है और माँ का अगर साहित्य पढ़ने से तो बहुत सारे उदाहरण मिल जाता है एक पुत्र शोका तो रहा माता अभी लंका मर गए माता आई रोते रोने लगा माँ के सामने ये सुन के माँ इतने रोने लगी उनका रोना बंद हो गया बोले माँ तुम अपना रोना बंद करो पुत्र शोकातुरा माता को भी माँ का रोना पसंद नहीं है एक माँ आई ये तो मैंने सुना है कहानी का मैं एक ऐसा घटना का प्रत्यक्ष दर्शी हूं एक माता आई उनका लड़का का एक्सीडेंट में मृत्यु हो गया
तो हाथ में वो अस्थि कलश लेके गंगा जी में बहाने के लिए माँ के पास आए कणखल में। जब भी उनका जो पोजीशन था, सोशल स्टेटस उनको अलाउ नहीं कर रहे थे रोने का, फिर भी विदाउट एक्सप्रेशन आंसू तो बह रही थी। माँ का वहां आए, इसका बाद दो चार मिनट बैठा तो भास्करान जी को बोला, भास्कर उनको लेके वहां चले जाओ शक्ति घाट में, जाके अस्थि को बहा दो। हाथ में अस्थि कलश है उस माता का, माँ का कामर में जाते ही उनका आंसू बह रहे थे। वही अस्थि कलश हाथ में है, इसको विसर्जन करने को जा रहे थे जब माँ का कमरे से निकला, मुंह में मुस्कुराहट है। यानी इमाजिन दैट सीन, माता का हाथ में अस्थि कलश है, अपना पुत्र का अस्थि, रोते रोते माँ के कमरे में गए, क्या बात हुआ पता नहीं हम लोगों का, अकेली थी। पीछे माने भास्करान जी को बोला, जाओ उनको लेके जाओ, अस्थि कलश अस्थि बहा के ले आओ। तो वो जब माँ का कमरे से बाहर है, हम लोग बाहर देख रहे थे, मुंह में मुस्कुराहट। ये एक प्रकृष्ट उदाहरण है, माँ गर्व को अमृत बना देती है। आप लोग समझ गए होंगे मैं किसका बात कह रहा हूं, इंदिरा जी का बात कह रहा हूं। संजय का अस्थि हाथ में लेके और समझी किसके साथ कंकल में आप भी थे ना, इंदिरा जी जो आए थे अस्थि कलश लेके, ठीक है। तो माँ अमृत को ग्रहण को अमृत बना देती है, ये साक्षात उदाहरण है। माँ का चीज जो बात ही कुछ अनोखा है, माँ कभी कभी अमृत को भी ग्रहण बना देती है। बोले ऐसे कैसे बात कह रहे हो, और एक चित्र बताता हूं। जो माँ का समय संयम सप्ताह या और कहीं माँ का जन्मोत्सव में जो गए, आपको याद दिला देता हूं और इससे प्रमाण हो जाएगा माँ अमृत को भी गरल बना देते हैं। हम लोग देखे हैं महात्माओं का जब प्रवचन होते हैं ना, और माँ जब बैठती थी इसका बात बाबा बाबा अमृत वर्षण अमृत वर्षण माँ कहती थी। जो महात्मा को तो प्रवचन जो होता है, भगवान का जो वाणिया के बारे में लोग बोलते हैं, तो इसको माँ हाथ जोड़ कर बाबा अमृत वर्षण अमृत वर्षण। तो महात्मा का जो वाणी है ये अमृत वर्षण है। और तो और हम लोग सबको अमृत ही चाहते हैं ना, माँ को भी हम लोग अमृत ही मानते हैं। खाले बोले माँ अमृत कैसे हो गया, चलो थोड़ा शास्त्र ले आए इसमें। माँ को हम लोग प्रेम का प्रतिमूर्ति मानते हैं, इसमें तो दो राय नहीं, माँ प्रेम का प्रतिमूर्ति है। तो इसमें माँ में नारद भक्ति सूत्र का तो दूसरा सूत्र है ना, सातु परमा प्रेम रूपा, ये शब्द माँ में बिल्कुल बैठ जाते हैं, सातु परमा प्रेम रूपा। तो
तीसरे श्लोक में बोलते हैं नारद भक्ति से अमृत रूपाच, मतलब परम प्रेम पर और अमृत एक ही चीज होता है और मां अमृत तत्व का साक्षात उदाहरण है, जागतिक उदाहरण, वास्तव उदाहरण। और मां ये महापुरुष का प्रवचन को अमृत वर्षन कहती थी। प्रवचन हो गया, मां बैठी थी डायस में, प्रवचन चल रहा है, खचाखच खड़ा है हल, मैं कंकल का हल का बारे में बात कर रहा हूं, अमृत वर्षन हो रहा है। इसका बाद दूसरा महात्मा का, एक महात्मा का प्रवचन हुआ, माँ बैठी थी, अमृत वर्षन हो गया, माँ हाथ जोड़ करके क्षमा मांग रही, बाबा इस शरीर का तो इतना था, उस समय माँ का तबियत ठीक नहीं था, बाबा आज्ञा, तो माँ आज्ञा लेके माँ उठ पड़ी वहां से उदास जिले के, माँ को लेके जा रहे हैं। एक वर्षा खत्म हो गया, दूसरा वर्षन होना चाहिए, पूरा का पूरा हॉल खाली, दो चार लोग बैठे, ये मैं कोई कल्पना नहीं कर रहा हूं, आप लोग देखे होंगे, आप लोग देखे होंगे ये सब, ये क्या हुआ? अमृत वर्षन हो रहा है हॉल, अमृत में रुचि नहीं है हम लोगों का, ये क्या बात? हम लोग सब भगवत प्राप्ति का उद्देश्य से मां का चरण में आए हैं और श्रवण एक उपाय है भगवत प्राप्ति का, बहुत सारे उपाय है इसमें, श्रवण ये इज अ मास्ट है, और मां स्वयं कह रही है अमृत का संतान हो तुम लोग, अमृत भोजी हो तुम, अमृत भोजी बनो। मां जो कहती है इसको हम लोग मानते हैं, कम से कम मानने का कोशिश करते हैं। अभी अभी माँ बोला अमृत वर्षन हो रहा है, माँ उठ के चला गए, फिर दूसरा महात्मा अमृत वर्षन कर रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, सब उठ के चले गए, कहाँ गए? चाय पीने नहीं गए, गप्पे मारने नहीं गए, घूम रहे हैं माँ का कमरे का चारों तरफ, अगर चांस मिल जाए दरवाजा खोले अंदर घुस जाए तो तांग झांक करते थे, अगर मां दिख जाए तो मतलब क्या? अमृत से अनीहा, मां का प्रेजेंस अमृत को त्याग करने का मजबूर कर दे, जो त्याग करते हो क्या है, वो अमृत तो नहीं है, वो गरल ही होगा, गरल से तो कोई प्यार नहीं करते है। तो ये जो शब्द अमृत रूपाच वो भी छोटा पड़ जाता है मां के उत्तर में, मातृ तत्व अमृत तत्व से भी बहुत पूछा। तो मैं विनोद से बोला माँ अमृत को भी गरल बना देते हैं, इसका मतलब है नहीं अमृत गरल बन जाते हैं, अमृत तो अमृत ही रहता है, लेकिन मातृतत्व अमृत से भी बढ़कर है। बोले तो ये कैसे आप कह सकते, मातृतत्व अमृत से भी बढ़कर है? एक बच्चा अभी अभी अमृत ही शब्द उसको, इसका अर्थ उसका दिमाग में नहीं आया,
तो वो अभी भी माँ का दूध पीना छोड़ा नहीं, अभी भी अपना उसका माँ का स्तन्यपान में रुचि है। अगर उसको कहा जाए ले बेटा माँ का स्तन मत पान करिए, अमृत है पी ले, पिएगा वो? पता ही नहीं है अमृत क्या है, और पता करने का जरूरत भी नहीं, उसको तो मां चाहिए, अमृत नहीं चाहिए। सो ये जो भक्ति सूत्र का अमृत रूपाच मातृत्व तो इससे भी बढ़कर है। सो इससे तो प्रमाण हो गया ना, माँ अमृत कभी गर्व साबित कर सकती है। अभी ये तो चलो अभी एक थोड़ा, पहले तो विनोद हो गया, अभी थोड़ा पहले चल जा, पहले भी माँ का बात लेके कर। माँ कहती वांग्मयी माँ 137 भगवत प्राप्ति रास्ता सरल सहज, भगवत प्राप्ति का रास्ता सरल और सहज है। अगर टाइम में तो यह बहुत बड़ा है, इसमें दो चीज खाली इतना ये यह मासा मुख से निकला है, पहला सेंटेंस पूरा पूरा नहीं था। हाँ, पहला सेंटेंस को थोड़ा सोचे, मनन तो करना ही चाहिए, भूल भाल किसा भी हो। हाँ, अगर भूल भी हो जाए माँ हर है, हर जा नहीं है, या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण भ्रांति भी हो तो माँ के लेके भ्रांति भी हो जाए, वो भी सही है। तो भगवत प्राप्ति का रास्ता सरल सहज, इसको किसी ने अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया, वे टू गॉड is straight and easy, सहज को हम लोग इजी बोलते हैं ना। लग सुनने से लगेगा ये तो करेक्ट ट्रांसलेशन है, बहुत बढ़िया ट्रांसलेशन है। वे टू गॉड इज स्ट्रेट एंड इजी, कोई बात नहीं मान लिया। माँ का ये शब्द श्रुति समर्थित है कि नहीं? हम लोग कहते हैं ना माँ का वाणी वेद वाणी, वेद वाक्य है। माँ कभी श्रुति स्मृति का विरुद्ध में कभी बोला ही नहीं, ये हम लोग स्पष्ट कर। माँ का सारे के सारे बात राइटली फिट्स इन बोथ इन आवर शास्त्र, ये श्रुति तो हो स्मृति को हो कुछ भी हो। तो थोड़ा देख लेता हूँ ये फिट करता है नहीं कोई श्रुति से, पहले श्रुति देख लेता हूँ। पता नहीं कौन सा उपनिषद चल रहा है आजकल, सुबह आप लोग शायद कठोर उपनिषद का बहुत ईश्वर चल रहा है। अच्छा कठोर, कठोर श्रुति में एक श्लोक है भगवत प्राप्त कुछ भगवत प्राप्ति का रास्ते में चलने के लिए, ये जो रास्ता है कठोर श्रुति कहते हैं, आई कोट सुरेश धारा निशि दुरत्व दुर्गम पथस्ता कवयो वदन्ति, ये वेद कह रहे हैं। उपनिषद तो वेद का ही अंश है।
सुरेश धारा निषिद्ध दिवस सुरेश धारा माने भगवत रस्ते में चलना जो है ना ये क्या है शूर का ये जो रास्ता जो है ना इतना शार्प है ये जैसा कि शूर का ऊपर खाली पैर में चलना है कैसा शूर ब्लंट है अगर शूर में धार नहीं होना निशी शार्प तिक तिक तीक्ष्ण धार निशी बहुत शर्त दुरत्तया इम्पैसेबल PASSABLE पैसे चलने दुर्गम दुर्गम मतलब ये जिसमें जिस रस्म से गमन करना मुश्किल है दुरत्तया दुर्गम इसका बात स्थिति कह रहे हैं तो ऋषि से ऋषि का मुंह से ही तो ये श्लोक निकला है ना तो ऋषि बोले ओके मैं कह रहा हूं ये दुर्गम मुझे विश्वास ना करो मत करो कवयो वदन्ति आई एम टेलिंग यू डोंट टेक इट एज एन ऑथेंटिक ऋषि का तो वाणी ऑथेंटिक होना ही चाहिए लेकिन वो कहते हैं यार मुझे भले ही मात मारो कवयो वदन्ति हमारा जो प्रीडिसेसर है जिनका परंपरा में मैं अभी तक बोल रहा हूं हमारा जो पूर्वज ऋषि जो है उन लोग भी ऐसा ही बोला है दुर्गम पथ साथ कवयो वदन्ति भगवत प्राप्ति का रहस्य के बारे में श्रुति का ये मैं बना नहीं देगा कल समझने का कोशिश कर रहा हूं मां का ये सब भगवत प्राप्ति का रास्ता सरल एंड सहज अब दोनों मिलाओ भाई मां का ये शब्द और श्रुति मिलाओ दैट इज Not even the remotest possibility to fit Ma's word in the Veda declaration. कैसे करूं? वेद का साथ इसका मिला मेल कैसे करूं? ये तो फसाद खड़ा हो गया वेद मानो कि मां मानो वेद अगर नहीं मानो तो मैं तो सनातन धर्मी नहीं हूं अगर मैं अपने को सनातन धर्मी क्लेम करूं और वेद का बात ना मानू तो मैंने तो सनातन धर्मी नहीं हूं तो कहे का ये भगवा वस्त्र अगर वेद मानो और मां को ना मानो तो मर जाना चाहे मेरे लिए कह रहा हूं अगर मातृ संतान अगर मां को ना मानो तो हो गया कि नहीं फंसा तो उसको अंग्रेजी ट्रांसलेशन में ये गड़बड़ी डाल दिया स्ट्रेट सरल मींस स्ट्रेट सरल मीन इजी सरल रेखा वक्र रेखा होता है ना स्ट्रेट सो इफ यू प्रोसीड स्ट्रेट इन योर लाइफ विदाउट एनी डेविएशन अगर इधर उधर बिना ताक के अगर अपने जो रास्ता माने सिर्फ आपके लिए चुना है ये बोला है और जो रास्ता आपने खुद के लिए चुना है और इसको माँ ने अप्रूव किया है माँ इससे सहमत है इसी से चलना पड़ेगा आपको
ये मैं जबकि माँ का बारे में ये जो बात है ना, ये हर एक शिष्य का ऊपर लागू होता है। गुरु ने जो बोला उसी में चलो। अरे गुरु ने कुछ बोला, दूसरा के प्रवचन सुन लिया किसी के पास, अरे ये तो अच्छा लग रहा है, चलो ये भी ट्राई कर लो। युवा ये क्या है, दिस इज कॉल्ड इरेवरेंस। ये गुरु का अपमान है, खाली गुरु का अपमान नहीं है, अगर आप सनातन धर्म के धर्म का अपमान है। माँ कहती थी एक आग्र, एक अग्रे, एक एक लक्ष्य, एक लक्ष्य अगर हुआ तो होता है ना, तो आपको टेढ़ा मेढ़ा रास्ते का चलने का कोई मतलब ही नहीं है। सरल तो अब सहज, पांच मिनट टाइम दोगे? पांच मिनट में खत्म कर दूंगा, कोशिश करूंगा, हो जाए, नहीं तो अभी छोड़ भी सकता हूं। तो सहज, सहज को अंग्रेजी में इजी कर देते हैं ना हम लोग। सहज को जो शब्द है ना, हर एक शब्द का एक शाब्दिक अर्थ होता है और व्युत्पत्तिगत अर्थ होता है। पंकज मतलब क्या है, पंक प्लस ज, कीचड़ में जो उगता है इसको पंकज कहते हैं, पद्म फूल। अनुज, अनु प्लस ज, अनुज जो मेरा पीछे जन्म है। अग्र प्लस ज, अग्रज जो मेरा पहले जन्म है। सहज को अगर ऐसा जनाब को क्या होगा, जन्म के साथ सह प्लस ज, सहज का अगर अगर कहो इजी, पता नहीं कौन सा अंग्रेज ने इसको सहज को इजी बनाया, मुझे तो पता नहीं कौन सा बंगाली ने और इंडियन ने सहज को इजी कर दिया, पता नहीं। लेकिन सहज का असल अर्थ सहज प्लस जो, जिसको लेके अपने जन्म है वही भगवत प्राप्ति का रास्ता है। यही होगा ना इसका अर्थ बंगला में, यही होगा ना, जिसको लेके हम लोग जन्मे हैं वही भगवत प्राप्ति का रास्ता है। सह प्लाच क्या लेके जन्मे हो भाई, आपका क्वालिफिकेशन क्या था? जितना हम लोग गुणाधान हुआ हमारा शक्ति, हम लोग का जन्म से लेके तो गुणाधान होता रहता है, एक स्टेज तक गुणाधान होते ही जाते इसका पार जब थोड़ा समझ आता है ना, तब दोष आने लगता है, समझ का साथ दोष आने लगता है। तो गुणाधान होता है तो भगवत प्राप्ति का जो भगवत रास्ता मतलब गुणाधान एंड दोषापना है, इसको ही माना जाता है। तो दोष तो नहीं आता जन्म का साथ, दोष कहां से, क्या दोष कर लिया तुमने, दोष तो नहीं आता। इसका बाद आधान होता है, तो क्या लेके जन्म है, जितना कुछ हम लोग सीखा है ये जन्म के बाद सीखा है, अब क्या लेके हम लोग जन्मे हैं सोच लो एक दफे। माँ को प्यार करने को किसने सिखाया, तब तो इंटेलिजेंस भी नहीं था। माँ से प्रेम करना ये तो इंटेलिजेंस बिना तो मनुष्य का वाद छोड़ दो, गाय बछड़ा किसी भी जंतु ले लो, जीव ले लो,
हर बच्चे माँ को प्यार करते हैं। किसने सिखाया भाई? दिस इज द इनहेरिटेड ट्रेट इन ऑल ऑफ अस, इन ऑल द सेंटिएंट बीइंग। जितना प्राणीवाचक जो कुछ है ये इनहेरिटेंट ट्रेट, ये लेके जन्मा है, प्रेम लेके जन्मा। भगवान से तो प्रेम है, बात सही है, भगवान से प्रेम होने से काम नहीं बनता। जब तक रास्ता से प्रेम नहीं कर पाओगे तो रास्ता लगेगा बहुत ही कठिन। खाली लक्ष्य से प्रेम नहीं करता, लक्ष्य का प्रेम जो है ना ये हाइपोथेटिकली काल्पनिक प्रेम है, जिसको देखा नहीं, जिसको जाना नहीं। लक्ष्य को तो वहां पहुंचने के बाद ही जानोगे ना, लक्ष्य को वहां पहुंचने के बाद ही देखोगे ना। तो जाना नहीं, देखा नहीं, प्यार हो गया लक्ष्य से, कोई बात नहीं। किसी ने बोला, माँ ने बोला इसको प्यार करो, करते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन भाई तो ये तो हाइपोथेटिकल प्यार हो गया ना, काल्पनिक प्रेम। तो देखो ना, अपना इस जीवन में तो काल्पनिक प्रेम कभी सुविधा ही नहीं होता। So, worldly view से काल्पनिक प्रेम सुखदायी नहीं होता है। So, ये हर वक्त दुखदायी होता है। कल्पना कर लिया किसी प्रेम के बारे में, ये मिला नहीं तो क्या हुआ होगा, फ्रस्ट्रेशन, हताशा, तो काल्पनिक प्रेम नहीं होता। सो इट इज गुड यू फिक्स द टारगेट एंड इसके थोड़ा काल्पनिक प्रेम हो ही गया, लेकिन वहां पहुंचने के लिए जो रास्ता है, पहले रास्ता से प्रेम कर लो। प्रेम करना ही है, अगर रास्ता नहीं होता तो तुम वहां पहुंचते कैसे? बिना रास्ता तो पहुंच नहीं पाओगे। तो अगर रास्ता से आपका प्रेम हो जाए, आप ठीक रास्ते से चलो, स्ट्रेट सरल रास्ता से चलो, गुरु उपदिष्ट रास्ता से चलो, माँ का ये सारे के सारे वाणी है, तो नहीं लगेगा। ये जो कहा है ना श्रुति ने, ये सबके लिए नहीं, नहीं है, जो भटके हुए के लिए श्रुति ये बोला। दुर्गम लगेगा, बहुत कठिनाई महसूस होगा। खत्म कर देता हूँ एक प्रतिष्ठित उदाहरण देके। मैं जहाँ रहता हूँ जगह बहुत अच्छा है, हिमालय बहुत अच्छा दिखता है वहां से, तो लोग वहां जाके ही बहुत उन्हें गया होगा तो भूल नहीं पाएंगे, दोबारा जाने का कोशिश करते हैं। तो हमारा ऊपर जाना पर आज तक ये सोचा, उस समय बहुत कठिनाई था। आप लोग जब वहाँ विद्यापीठ का टीचर थे तब ये बहुत कठिनाई जानते हैं आप लोग सब। तो मैं वहाँ था, दो दोस्त, वो लोग सुना है धवल चिन्ना के बारे में, वो लोग चल पड़े वहाँ, आए कलकत्ता से गए दो दोस्त। तो एक गए तो ये सुन देखने के लिए, बहुत इच्छा है वहाँ पहुँचना है, टारगेट फिक्स किया। तो वहाँ नीचे पहाड़ी का नीचे उसने उतरा, एक तो जवान है दोनों, जितना जल्दी हो सके ऊपर आना है, आके ये देखा पूरा हिमालय। स्वामी जी आप स्वर्ग में रहते हैं, अच्छा लगा उनका, अरे हाँ रहते ना, बाद में नहीं कर पा रहे।
मैंने कहा ठीक है भाई, पानी वानी पी ले, बैठ ले, देख हिमालय देख। तो बोले दूसरा कहा है? बोले आ रहे। करीब 15-20 मिनट बाद आए। तो मैंने कहा भाई क्या भाई? तो स्वामी जी आप तो स्वर्ग में रहते हैं, एक ही एक्सप्रेशन। पहले उन्होंने बोला स्वामी जी आप तो स्वर्ग में रहते हैं, और दूसरा नॉर्मली स्वर्ग में रहते। तो मैंने भाई इतना देर क्यों हुआ? बोले स्वामी जी रास्ता भी बहुत अच्छा। उस समय रडोडंडन खिल रहा था रास्ते में, अब बहुत सारे चिड़िया बढ़िया, तो बहुत अच्छा था ना। तो स्वामी जी रास्ता भी बहुत अच्छा था। तो मैंने सोचा क्यों ना रास्ता का आनंद भी ले ले, पहुंचना तो है ही वहां, वहां जो है सो है, ये तो पता नहीं क्या है, लेकिन रास्ता का आनंद क्यों ना ले ले। तो उसका जो उसके लिए ऊपर जाना सहज सरल, अब उसके लिए दूसरा आदमी के लिए माँ का ये पानी खप जाता है कि नहीं? और पहला आदमी के लिए सुरेश्वधारा निशित दुरत्या दुर्गम पतस्ताद का वजह मदन। सो ठीक है, लक्ष्य को प्यार करो, मतलब तब टैगोर बोलता था पथि तुम्हार पथ चलाते ही आनंद। ओम भगवताप प्रदाशिन्ने आनंद घनमूर्ते ज्ञान वक्ति प्रदायिन्ने मातुस्तु ब्रह्म नमो। ज्यादा टाइम ले लिया आप लोगों का, माफ कर दीजिए। अभी बाकी 8 थी।